सितंबर को एंड इंटरटेनिंग नाइट 12 और 13 सितंबर का बीच में 2:30 बजे, सुबह 2:30 बजे को हमको इन्फॉर्मेशन आया कि एक राउडी शर्ट कंचनबाग पुलिस स्टेशन का लिमिट्स में शेख नज़ीर, इसका ऊपर कुछ लोग आके हमला किया चाकू से बोल के हमको इन्फॉर्मेशन आया। तुरंत हमारा पेट्रोलिंग टीम और नाइट जोनल ऑफिसर उधर जाके पूरा उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल को लेके गया है। वो शेख नज़ीर ने चाकू से हमला के द्वारा मौत हो गया है। एंड 120B ऑफ IPC। तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको अभी तक 7 लोगों का इन्वॉल्वमेंट आया है। इसमें मेन अक्यूज बाबा शिंदे A1 और A2 आकाश शिंदे, ये बाप और बेटा है। इसका थोड़ा पीछे जाके हिस्ट्री देखा गया तो ये बाबा शिंदे का बच्चे विशाल शिंदे बोल के एक बंदा था। 2 साल पहले चटना का PS में एक मर्डर केस रजिस्टर हुआ है। वो मर्डर केस में विशाल शिंदे को चतरनाका से पिकअप करके किडनैप करके जहीराबाद जाके उधर मर्डर किया गया है। उस मर्डर केस में अभी जो डिसीज्ड है शेख नज़ीर और उसका गैंग का इन्वॉल्वमेंट था। सो उसी टाइम से इन दोनों के बीच में, बाबा शिंदे और नज़ीर का गैंग, इन दोनों का बीच में दुश्मनी चल रहा था। सो ये दुश्मनी में कभी कभी ये शेख नज़ीर ने, ये बाबा शिंदे का और एक बेटा है आकाश शिंदे, ये आकाश शिंदे को भी इंस्टाग्राम में मैसेज भेजता था, टेक्स्ट मैसेज, हम आपका भाई को ऐसा मारा आपको भी मारने के लिए मार सकते बोल के ऐसा डराता था। तो जब ऐसा मैसेज आ रहा है और इसको देख के और विशाल बाबा शिंदे और आकाश शिंदे को भी लगा कि हम भी इसका रिवेंज लेना है, हमारे भाई को इन लोगों ने, नज़र गैंग ने मारा है और बाबा शिंदे भी इसका बच्चे के लिए मार दिया, इसको भी रिवेंज करने के लिए एक प्लान कर रहा था। ये पूरा बैकग्राउंड लेके 2 महीने पहले आकाश शिंदे ने, बाबा शिंदे का और एक बच्चा, बाबा शिंदे का और एक बच्चा आकाश शिंदे ने 2 नाइफ्स, 2 चाकू अमेजान से, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है और उसका एसोसिएट्स भी सैयद शाह अब्दुल जब्बर, ये जब्बर ने एक और एक चाकू लेके आया और प्रेम मने, कैफ मैनुद्दीन, अतर, शेख आशम अली और 4 लोग, ये बाबा शिंदे और आकाश शिंदे और 5 लोग, पूरा 7 लोग मिलके एक कॉन्स्पिरेसी किया गया है। एक कॉन्स्पिरेसी में इसको शेख नज़ीर को मर्डर करके सेटल करना है, इसका रिवेंज को सेटल करना है बोल के सोचा है। तो ये प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए A4 प्रेम मने ने रिकी करने के लिए ऑर्डर दिया गया है बाबा शिंदे ने। तो उस दिन जो 12th और 13th का बीच में रात में ये A4 प्रेम मने रिकी किया गया है नज़ीर का घर घर के पास। तो उस टाइम नज़ीर ने बाहर उसका आप उसका घर का बाहर एक ऑटो था, वो ऑटो में बैठ के फ़ोन चेक कर रहा था। उस टाइम में नरेश मने ने देख के इनको इन्फॉर्मेशन दिया है और बाकी लोग सैयद अब्दुल जब्बर, कैफ मोइनुद्दीन, अत्तर और शेख आशम अली, इन लोगों ने पूरा एंट्री एग्जिट्स का कैसे बाहर से लोग नहीं आने, कैसे आने नहीं दे सकते, वो पूरा चेक करके इन दोनों का मदद किया है। इसमें उस दिन A2, A3, A4 ये तीनों लोग जाके 3-4 चाकू लेके इसको मारा गया है। सो ये चाकू चाकू का घायल के वजह से शेख नज़ीर ने अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, मौत हो गया उसका। और ये A7 ने इसको कैसे, ये एविडेंस को टैम्पर कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं उसका, वो उसको भी मदद किया गया है। तो उसके बाद हमने लगभग 4 टीम,
सोसाइटी में ये छोटा छोटा इशू में ये चाकू लेके हमला कर, तो ये घूर के देखा, ऐसा छोटी छोटी चीज़ में एक दूसरे पर मार पीटना, ये पूरा बंद करना है। ये अभी नौजवान में अभी देख गया, तो अभी A1 to A6 पूरा देख गया, तो 20 साल 25 साल का बीच में है इन लोगों। अभी ये मर्डर केस इन्वॉल्व हुआ तो पूरा ज़िंदगी भर इसका रोडी शीट चले जाएगा, और जो भी क्राइम होगा उसको बुला के सस्पेक्ट करने का होता है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पब्लिक नॉट टू इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। ये नौजवान बच्चे जो है ये रात में इधर उधर घूमना बिना कारण से, ये केसेस में ना आना, और उसका करियर उसका लाइफ बर्बाद ना करे, क्योंकि एक बार एक केस हो गया, एक अभी 4-7 जन है, और इसके पास जो भी लोग खड़ा होता है उसको पता नहीं होता है क्या क्या हो रहा है, फिर भी उसका नाम आ सकता है, क्योंकि वो भी अकम्प्लिस होता है कभी कभी।